गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको साइकोलॉजी के जो आपका एचपी टेट मेडिकल का एग्ज़ाम हुआ था उसके आंसर्स दूंगा। तो यहाँ पर आप एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइएगा। जहाँ मैं आपको डाउट बताऊंगा वहाँ पर आपको खुद मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। और अगर फिर भी मेरे जो क्वेश्चन में से गलती हुई हो कुछ, तो प्लीज़ आप मुझे आंसर में कमेंट सेक्शन में बताएँ और लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को सब्सक्राइब कर दें चैनल को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द परसेप्चुअल इंक्लिनेशन ऑफ अ पर्सन टुवर्ड्स स्पेसिफिक थिंग्स इज नोन एज। तो इसका जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, परसेप्चुअल विजिलेंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विच वन इज़ नॉट रिलेटेड टू मेमोरी। इनमें से कौन सा जो है रिलेटेड नहीं है मेमोरी से? तो आपका जो है फीलिंग जो है रिलेटेड नहीं है मेमोरी से। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंटेलिजेंस थ्योरी सपोर्ट्स द जनरल इंटेलिजेंस जी एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस एस। तो यहाँ पर स्पीयरमैन इसका आंसर है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलप्ड अमंग चिल्ड्रन थ्रू ग्रुप एक्टिविटीज़। तो इसमें यहाँ पर डाउट है, वैसे यहाँ पर सब कुछ डेवलप होना चाहिए, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, वैसे स्पिरिट ऑफ लीडरशिप भी हो सकता है, बट सहयोग भी हो सकता है और डिसिप्लिन भी हो सकता है। तो तीनों ही यहाँ पर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर डाउट है मुझे, तो यहाँ पर आप बताएं इसका आंसर। अ मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड आई क्यू विल बी, जो मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड होते हैं उनका आई क्यू जो है बिलो 70 होता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वॉज डेवलप्ड बाय, जो बीने थे जिन्होंने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो है डेवलप किया था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। एवरी लर्नर इज़ यूनिक मीन्स दैट, तो इसमें जो है डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, नो टू लर्नर्स आर अलाइक इन देयर एबिलिटीज इंटरेस्ट एंड टैलेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोलॉजिकल और नेचुरल मोटिव, तो हैबिट जो है वो बायोलॉजिकल और नेचुरल मोटिव नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू पियाजे फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज बी, सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रोमोटेड बाय गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट, तो इसमें मेन जो थे वो कोहलर थे। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। लर्निंग डिसेबिलिटीज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, तो आपका डिसकैलकुलिया, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हु क्रिएटेड द कंसेप्ट ऑफ फ्रॉब किंडरगार्टन, तो फ्रॉबेल इसका आंसर है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग टेक्स इन टू अकाउंट ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट नीड्स ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित ध्यान देता है सिवाय के, तो विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के ऊपर ध्यान नहीं देता हो, बाकी त्रुटियों पर, अधिगम विधियों पर और क्षमताओं पर ध्यान देता। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ टीचर यूजेज ऑडियो विजुअल एड्स एंड डुअल एक्टिविटीज इन देयर लर्निंग टीचिंग एंड बिकॉज दे यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस। तो मे बी यहाँ पर डाउट है मुझे, तो डी ऑप्शन मेरे हिसाब से यहाँ पे सही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर दें इसका कमेंट सेक्शन में। विच ऑफ वेयर वॉज द फर्स्ट साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी वॉज सेटअप, तो लिप्जिक जर्मनी में थी, वुंट ने वहाँ चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओवर फेवरेबल ओपिनियन इज कॉल्ड सेल्फ एस्टीम बोलते हैं उसको, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। वट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की स्मॉलेस्ट यूनिट आपकी न्यूरोन है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन इज़ द करेक्ट स्टेज फॉर इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरियरिटी, तो एरिक्सन की थ्योरी में इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरियरिटी जो है बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, 6 से 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज कंडीशन स्टिमुलस इन पेवलोव्स कंडीशनिंग थ्योरी, बेल जो है कंडीशन स्टिमुलस है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हुज कंपोनेंट इज एनकोडिंग, एनकोडिंग किसका कंपोनेंट है, तो सी ऑप्शन मेमोरी का एनकोडिंग है, वो मेमोरी का जो है कंपोनेंट है एनकोडिंग। हु गेव द कंसेप्ट ऑफ कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट एंड सोशल इंटेलिजेंस, तो ए ऑप्शन थॉर्नडाइक इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डिफरेंट कैपेबिलिटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो जीन है उसका आंसर है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन विच डायरेक्ट्स अ पर्सन टुवर्ड्स हिज गोल इज कॉल्ड मोटिवेशन, मोटिवेशन ही होती है जो आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाती है। तो द रेपिटेशन ऑफ एनी एक्टिविटी लीड्स टू स्ट्रॉन्गर टाइज इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ थॉर्नडाइक, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपका लॉ ऑफ रेडीनेस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे भी मुझे डाउट है, तो इसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द क्वालिटी एबिलिटी ऑफ परसीविंग अंडरस्टैंडिंग एंड डिफ्रेंशिएटिंग द फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ वन सेल्फ एंड अदर्स इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु सेड लैंग्वेज डिपेंड्स अपॉन थिंकिंग, तो वाइगोट्स्की इसका आंसर है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीयर ग्रुप, तो एडोलेसेंस स्टेज में है जो वो है चिल्ड्रन जो है एक्टिव मेंबर होते हैं पीयर ग्रुप के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस बाय विच द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम सडनली बिकम्स क्लियर इज नोन एज अह एक्सपीरियंस, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ प्रोपोंडेड द थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स ऑफ मोटिवेशन, तो आपका ए जी ए एच मैसलो जो है इसका ऑप्शन है आंसर, नेक्स्ट ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ये थी आंसर की जो डाउटफुल क्वेश्चन है उसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर दें, और जो मेरे गलत मतलब मुझसे अगर कोई गलती होगी तो प्लीज़ माफ़ करना, और अगर कोई गलती से ऑप्शन गलत बता दिया हो मैंने तो उसको कमेंट सेक्शन में आप बताएं मुझे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।